हाय गाइस एंड वेलकम टू चैनल आ चुके न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस आज हम खेलने वाले GTA 5। तो गाइस जैसे तुमने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम गए थे यार रेसिंग टूर्नामेंट पे। यार काफी ज्यादा मेहनत से वहाँ पे हमने यार जीत ली थी यार लैम्बोर्गिनी सियान, क्योंकि यार एक मैच हम हार चुके थे और एक जीत गए। तो फाइनली अपने को ये लैम्बोर्गिनी सियान मिल चुकी है अपने गैराज में फिलहाल के लिए पार्क है। तो गाइस वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। तो गाइस आज अपने को बहुत ज़्यादा काम है यार GTA 5 में अपने यार बिजनेस को लेके, क्योंकि यार अपने को पहले डिलीवर करनी है डग गन बॉस की यार वो रॉल्स रॉयल्स कर दी हमने, लेकिन BMW गोल्डन कलर की अभी वो बैनी लेकर आ रहा है। फिर बैनी और मैं जाएंगे डिलीवर करेंगे, मतलब आते वक्त भी गाड़ी चाहिए तो ऑडी लेकर चलते हैं, अपनी लैम्बोर्गिनी सियान रखते हैं लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि बेनी यार गाड़ी सही से नहीं चलाता। अब जल्दी से बेनी आने का इंतजार करते हैं, इसलिए मैं बाहर आकर खड़ा हूँ क्योंकि बेनी आने वाला है। वो बोला मेरे को फोन कर, काफी ज्यादा करीब हूँ तो जल्दी से उसको वेट करते यार, फिर तुमको मैं देखता हूँ क्या करना है। ओके तो गाइस फिलहाल बेनी आ चुका है गोल्डन BMW X7 लेकर यहाँ पे। अबे गेट क्यों बंद कर रहे हो यार, बेनी तो अभी तो आया है बेनी, तो जल्दी से बेनी को लेते अब चलते हैं डगन। क्या कार की है भाई तूने, बढ़िया। लेकिन भाई बेनी का वर्क देखो ना तुम यार, बेनी काम बड़ी सही करता है, बढ़िया करता है काम। अभी जल्दी से बेनी, मैं तो BMW चलाऊंगा, उसका ऑडी दे देते ये अपनी माइकल की, और हम चलते हैं जल्दी से भाई अपने वहाँ पे यानी कि डगन बॉस के घर पे। उसके मैप का मैं लोकेशन सेट कर लूँ, पहले उसके घर निकलना है अपने को। ओके लेट्स गो गाइस, चलते हैं उसके घर पे। ओके तो गाइस बेनी भी अपने कार में बैठ रहा है, मैंने उसको कह दिया है कि भाई तू उस कार में बैठ क्योंकि वो बहुत रश चलाता है कार, और हमारे पीछे पीछे चुप से आ जा। अभी मैं फिलहाल इसका रेडी। ओके इस गाड़ी को, ये तो यार पूरी बॉडी प्रूफ है इस कार को, बस इसको ठोकेंगे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन यार क्यों करें हम भाई, गलती से कहीं डेंट वेंट आ गए तो। ओके बेनी आ रहा है कि नहीं देखते, वो देखो उसकी ड्राइविंग देख रहे हो स्किल्स, इसलिए मैं उसको लेता नहीं, चलता है वो आ जाएगा पीछे पीछे। अभी हम चलते हैं भाई यहीं से कहीं से। ओके मैंने पहले डेंट मारा, डेंट नहीं आया होगा, आएगा। ओके डेंट नहीं हुआ, क्या लगती है लेकिन इसकी कार, फटाफट से चलते या फिर बेनी का यहाँ पे मैं वेट करता हूँ, रुको। ओके तो गाइस बेनी भी आ चुका है पीछे पीछे, लेकिन बहुत ज्यादा रश कार चला रहा है, देखो उसकी वजह से अभी डेंट लग जाता गाड़ी। ये देखो कितनी रश कार चला रहा है वो, जल्दी से चलते हैं डगन बॉस के घर पे। और ये देखो अबे मैं डेंट मार दूंगा उसके गाड़ी को, रहने दो उसको आने दो। बेनी देखते हैं वैसे आ रहा है क्या नहीं। ओके वो कहीं पर रहेगा एक मिनट हम। ओके ये तो रहा भाई, ये देखो कैसे आ रहा है, कैसे भाई उसकी कार पर्पल लग चबली हुई है, इसको लेकर चलते हैं जल्दी से, वो अपने पीछे है। अभी जल्दी से मैं डगन गर्ल्स बॉस के घर पे पहुंचता हूँ, तब तक एक काम कर देना गाइस तुम सब्सक्राइब कर देना यार, मोस्ट ऑफ यू आर नॉट सब्सक्राइब यार। देखो मैं तुमको भाई प्रूफ ही कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तुम सबकी स्क्रीन में यार तुम कर रहे हो या नहीं सब्सक्राइब। देखो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, क्योंकि यार इतना कॉन्टेंट जो मैं लेकर आ रहा हूँ यार, जल्दी से सब्सक्राइब बटन ठोक दो यार। अभी मैं चलता हूँ फटाफट से यार, डेंट नहीं। ओके पड़ेगा नहीं, लेकिन भाई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है थोड़ी। जल्दी से मैं पहुंचता हूँ उसके घर पे, फिर तुमको मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस बेनी मेरे पीछे पीछे और मैं उसके आगे 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 जा रहा हूँ, और वो रहा पीछे वहाँ पे। अभी फिलहाल के लिए हम डगन बॉस के घर पे काफी ज्यादा करीब है, जल्दी से चलते हैं उसके घर पे देखते क्या हाल है। ओके गाइस हम डगन बॉस के घर पहुंच चुके, ये रहे उसके सिक्योरिटी गार्ड, जल्दी से चलता हूँ मैं ऊपर। ओके गाइस मैं पहुंच चुका हूँ डगन बॉस जी के घर पे यार। ओ मैंने उसके घर पे ठोक दी, लेकिन वो फिलहाल घर पे नहीं है, मेरे को गार्ड ने बता दिया, इसलिए अब ठोक सकते हैं। और बेनी भी पहुंच चुका है, देखो बेनी ने हालत देखो क्या की है गाड़ी की, उसको अंदर ही रखते हैं भाई। अब डगन बॉस तो है नहीं, तब तक उसकी कार्स को ही चेकआउट कर लेते। ओहो मर्सिडीज में बैक गाइस, पोर्शे है यहाँ पे, हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और यहाँ पे है जी यार, बेनी क्या कर रहा है यार, उसकी गाड़ियाँ मर ठोकी तरह भाई, बेनी पागल है क्या, उसकी गाड़ियां ठोक रहे बंदे मारेंगे यार, बेनी क्या कर रहा है। ओके बेनी ठीक है बेनी, ओके यही पे रुक, अब ठोक मत। अच्छा उसकी गाड़ियां भाई बुलेट प्रूफ है, किसी को पता नहीं चलेगा उसकी गाड़ियां आपने ठोक दिए, यही पे रुकते हैं देखते हैं क्या होता है गाइस। जल्दी से बेनी को भी निकाल देते बाहर, अभी तक तो आया नहीं है डगन बॉस। ओके तो गाइस फ्रैंकलिन का कॉल आ रहा है, देखते हैं पिकअप करके क्या बोल रहा है वो, जल्दी से पिकअप करता हूँ फिर तुमसे बात करता हूँ, ठीक है। ओके तो गाइस फ्रैंकलिन के साथ बात हो चुकी है यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है अपना, जो यार जो अपना गैरेज है पीछे यानी कि शोरूम अपना यार, वहाँ पे हुआ है बड़ा ब्लास्ट, पता नहीं किस गैंग ने किया है लेकिन वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, कैसे हुआ है वो भी पता नहीं, शायद करंट है या किसी ने ब्लास्ट करवाया। अभी मैं उसने वीडियो भेजी यार, जल्दी से वीडियो देखते अपने यार पोर्ट या टेक्स्ट में। और यार तो गाइस जैसे आपने वीडियो देखी यार, पूरा बहुत ही भाई पूरी तरीके से ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे, ऊपर से डगन बॉस भी नहीं है, अभी अपने पास कार है, जल्दी से जाना पड़ेगा यार अपने को, क्योंकि यार वहाँ पे डगन बॉस को रहने दो अपना पैसा, लेकिन अपना यार पूरा शोरूम और कार सारे भाई जलकर राख हो चुके हैं, अब पता नहीं क्या करना है, जल्दी से चलता हूँ मैं।
फिलहाल के लिए कार में बैठते हैं यार, देखते हैं। ओके तो गाइस मैं जाने वाला था कि तब तक यार डगन बॉस आ चुके हैं, इनसे जल्दी से पेमेंट लेते हैं जल्दी से और निकल जाते क्योंकि यार अपने साथ बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है ओके तो गाइस मैंने पेमेंट ले लिया लेकिन अपने पास बिल्कुल टाइम नहीं है, भागते हुए चलते यार क्योंकि अपने साथ हुआ है बड़ा वाला धोखा यार। किसने तो भाई वहाँ पे ब्लास्ट किया, यानी कि भाई बैठ जा बैनी यार, ये देखो अभी जल्दी से चलते हैं भाई यहाँ से, ले लेते अपना भाई और जल्दी से घर पे पहुँचता हूँ मैं, फिर तुमको मिलता हूँ। देखते हैं भाई क्या ब्लास्ट में हुआ है और क्या नहीं हुआ है यार, बहुत बुरा हुआ भाई। अभी तो उसमें बहुत सारा पैसा कमाना बाकी था लेकिन तब तक ही यार किसी ने वहाँ पे ब्लास्ट करवा दिया है। अभी जल्दी से चलता हूँ मैं घर की ओर, देखते क्या हुआ है और फिर देखते क्या करना है। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ, देख सकते हैं यार अपना सब तरफ आग लग चुकी है, अपने शोरूम में या अपने टीवी पे वगैरह भाई, ये देख सकते हो यहाँ पे अपने चेयर्स को वगैरह, आप ऊपर अपने कार्स को जाकर देखते हैं फटाफट से। तो गाइस मैं ऊपर आ चुका हूँ, ऊपर भी सेम हाल है यार, यहाँ पे देख सकते हो तुम ये जो अपनी बाइक थी यार उसका टायर तक नहीं बचा, टायर का उड़ के भाई इसका फ्रंट टायर भी नहीं बचा यार, इतने मेहनत से मैंने अभी अभी न्यू कार्स मंगाए थे, बाइक्स मंगाए थे। अभी ऊपर देखते क्या हुआ भाई, फायर ब्रिगेड भी आ रही है यहाँ पे, देखो यहाँ से देख सकते हो। अब मैं जल्दी से ऊपर चलता हूँ, ये देखो ये बंदे भी आ गए यहाँ, पूरा शोरूम तबाह। गाइस मैं ऊपर आ चुका हूँ, ऊपर तो यार देखा नहीं जा रहा मुझसे, सारे गाड़ियों में आ गए, ये देखो अभी तक ब्लास्ट हो रहे यार। ये अपनी वेलार थी गाइस जो कि जल कर राख हो चुकी है, इंजन भी जल चुका है इसका लगभग, ये वाली कार भी जल चुकी है यार, ऊपर पार्टी चल रही थी यार, ऊपर पार्टी भी सब भाई बर्बाद हो चुकी है यार, सब जल चुका है, एक कार भी नहीं बची यार गाइस, अब क्या करें हम, एक कार भी नहीं बची, इतना बड़ा लॉस हुआ यार, क्या बताएं तुमको यार। माइकल की शक्ल देख रहे हो कैसी से हो चुकी है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड तो आई है जा रही है लेकिन यार इतना बड़ा लॉस यार। ओके तो गाइस अब इतना बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है तो यार अपनी को एक ही मदद कर सकता है, वो बंदा है लेस्टर। अब जल्दी से मैं लेस्टर को फ़ोन लगाता हूँ। तो गाइस फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है यार, वो बोल रहा है मैं 24 आवर्स के अंदर अंदर ही यार तुमको बता दूंगा किसने किया है, तब तक मज़े उठा उसके, बोल रहा है वो पागल हो चुका है शायद, उसको भी मतलब पागल हो चुका है सुनकर न्यूज़, वो भी अब क्या करे, वो तो बोल रहा है 24 आवर्स लगेंगे यार उसको समझने में कौन है। तब तक हम चलते यार घर की ओर, घर में जाकर बैठते, अब कुछ हो भी नहीं सकता यार, बहुत बुरा लग रहा है यार, जल्दी से चलते नीचे यहीं से यार, पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने यार, जल्दी से मैं जा रहा हूँ घर के अंदर गाइस, अंदर मिलता हूँ। ठीक है गाइस मैं अभी जूस ही पी रहा था कि तब तक यार डगन बॉस की कॉल आई थी मेरे को, तो डगन बॉस ने कहा कि यार माइकल डोंट वरी यार, उन्होंने खुद ने फ़ोन किया और ये देखो टीवी देख रहे हैं यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे पहले ये जिंदगी खराब हो रही है, पैसा मिल नहीं रहा और ये टीवी पे। तो गाइस डगन बॉस ने ये कहा, बुरा लगा सुनकर यार लेकिन वो मदद करेगा यार ढूंढने में, जिसने भी ये किया है या फिर कैसे हुआ है वो पूरी मदद करेगा अपनी यार ढूंढने में, कैसे हुआ क्यों हुआ। तो यार डगन बॉस का यार बहुत बहुत शुक्रिया अपनी ओर से यार, उन्होंने अपनी मदद के लिए हाथ आगे किया है भाई, ऐसे दोस्त होने चाहिए जो कि यार ऐसे वक्त पे भी काम पे आ रहे। तो ठीक है यार जल्दी से चलते हैं, मतलब सो ही जाते हैं, अब क्या करें, अभी सुबह का इंतजार करते हैं, रात हो चुकी है, सुबह उठकर देखते हैं क्या करना है नेक्स्ट, अभी फिलहाल के लिए मैं भी सो जाता हूँ और देखते हैं फिर यार डगन बॉस का यार मतलब मज़ा ही आ गया, डगन बॉस ने कॉल किया, जल्दी से सो ही जाता हूँ मैं। ओके तो गाइस सुबह हो चुकी है फिलहाल के लिए और भाई अभी बारिश भी खत्म हो चुकी है, रात में शायद जाते वक्त बारिश हो गई थी, ये देख सकते हो तो पानी हो रखा है। अभी फिलहाल यार डगन बॉस का मैसेज आया अपने को कि यार डगन बॉस ने उनके घर पे बुलाया, उनको कोई क्ल्यू है कि यार अपना जो शोरूम है किसने डिस्ट्रॉय किया। अभी मैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए पहले उधर भागूंगा क्योंकि यार ब्लास्टर पता करने के पहले अगर उनके पास कोई क्लू होगा तो हम ब्लास्टर को और क्लू दे सकते हैं और पता कर सकते हैं भाई ये किसने किया है। तो जल्दी से मैं उसके घर पर निकल रहा हूँ, तब तक यार देख सकते हो तुम काफ़ी ज़्यादा सनी डे यहाँ पर लॉस सैंटोस में यार, ये देखो बारिश भी अभी अभी ताज़ा लग रहा है यार हो चुकी है। अभी फिलहाल मैं यार मेरे गाड़ी का टॉर्क बड़ा ख़राब है, मैं पहले भाई के पास जाऊंगा फ्रैंक अपना बैनी के पास अपना शोरूम का मामला ठीक होने पे और अपनी गाड़ी पहले ठीक करूंगा यार, पता नहीं गाड़ी को क्या हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा टॉर्क यूज़ कर रही है। अभी वहाँ पे जा रहा हूँ मैं, फिर देखते हैं भाई किसने किया है भाई वो डगन बॉस के पास क्या क्लू है, देखते हैं अगर मेरे गाड़ी को डेंट जाएगा, मैं बता रहा हूँ मेरे गाड़ी को डेंट जाएगा, बिल्कुल धीरे चलानी है अपने को कार को यहाँ पे क्योंकि अपने को यार नई कार है कुछ करना नहीं है। अब तो गाइस मैं अपने कार को भगाता भगाता पहुंच चुका हूँ डगन बॉस के घर पे, ये लोग मेरे भाई गाड़ी ऐसी क्यों चला रहे भाई, मेरे पे डाल रहे गाड़ियाँ वो, देखते हैं गाइस जल्दी से मैं पहुंच चुका हूँ, जल्दी से चलते हैं यहाँ पे उसके दो गार्ड्स एज ऑलवेज खड़े हैं, अभी जल्दी से ऊपर चलते हैं देखते हैं। डगन बॉस के घर पे पहुंच चुका, वो उसकी लैम्बोर्गिनी ये अपनी लैम्बोर्गिनी सेम है लगभग, मेरा थोड़ा सा डेंट लग गया कार को यार, उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। अभी डगन बॉस है यहाँ पे, जल्दी से बात करते, पार्टी वार्टी चल रही है, ये देख सकते हो यार
क्या पार्टी कर रही है देखो तुम यार, क्या क्या रखा है उन्होंने यहाँ पे, विस्की विस्की। अभी अपने पास टाइम नहीं है, पहले बात करते डगन बॉस से। तो गाइस मेरी डगन बॉस से बात हो चुकी है, वो बोल रहा है बल्लास गैंग ने किया है, क्योंकि यार हमने उनकी गोल्डन रॉल्स रॉयल्स चोरी की थी। यार ये तो कुछ अलग ही मसला हो चुका है गाइस, क्योंकि यार मुझे पता नहीं था बल्लास गैंग से भाई पंगा हो चुका है, यानी कि यार उन्होंने अपना यार शोरूम भाई डिस्ट्रॉय किया है। आप जल्दी से उनको चलते देखते, लास्टर के बेस पे चलता मैं फिलहाल के लिए, देखते हैं भाई ऐसे, क्योंकि लास्टर के पास जाके कोई मास्टर प्लान बनाते हैं। वैसे लास्टर का अभी तक मुझे फ़ोन आया नहीं, देखते हैं उसको फ़ोन करके। ओके तो गाइस मैं लास्टर के पास जा ही रहा था कि लास्टर का फ़ोन आ चुका था मुझे कि यार बल्लास गैंग ने किया, उसको भी पता चल गया क्योंकि वो उन्होंने कहा था भाई 24 आवर्स में पता चल जाएगा, और फिलहाल पता चल चुका है। और मैंने गाड़ी को और डेंट नहीं मारा, ओके गुड है, लेकिन उस साइड पर डेंट लगा है। वहीं से चलते हैं जल्दी से गाइस वहाँ पे, देखते हैं क्या करना है। और उसके पहले मैं रिपेयरिंग शॉप पे जाऊँगा, मतलब पेंट शॉप पे, वहीं पे फटाफट से रिपेयर कर दूँगा कार को। यहीं से चलते हैं पेंट, ओके कहीं पे तो होगा। अभी मैं फिलहाल एक काम करते हैं, चलते हैं जल्दी से लेस्टर के बेस पे, फिर बात करता हूँ। ओके गाइस मैं लेस्टर के बेस पे पहुँच चुका हूँ, यानी अपना ही बेस है लेस्टर का, यानी अपने यहाँ पे कार पार्क कर देते हैं, जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये देखो कैसे जगह पे बेस है, उसको किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये देख सकते ट्रेन है, वहाँ पे ट्रेन जा रही है, यानी कि रेलवे स्टेशन के आसपास है। जल्दी से अंदर चलते हैं। ओके तो गाइस मैं अंदर पहुंच चुका, ये रहा लेस्टर का बेस, कुछ डॉक्यूमेंट्स रखी है, कुछ लैपटॉप रखा, और वो रहा अपना प्यारा लेस्टर। यार मोबाइल पे क्या कर रहा है पता नहीं, शायद लोकेशन ही फाइंड कर रहा होगा बेस की, गैंग की। अभी बात करता हूँ मैं इससे, फिर यार मास्टर प्लान देखते क्या है उसका। ओके गाइस मेरी लेस्टर के साथ बात हो चुकी, तो मास्टर प्लान ये है कि यार हम जाएंगे यार बल्लास के बेस पे, मैं अकेला यानी कि माइकल, और भाई वहाँ पे अटैक करेंगे, और अटैक में से एक भाई बल्लास गैंग के मेंबर को यहाँ लेकर आएंगे, टॉर्चर करेंगे यार उसने क्यों किया या उसे किसने करने लगाया वो पता करेंगे हम। जो भी वहाँ का जो गैंग मेंबर होगा, लीडर होगा उस गैंग का, बल्लास गैंग का, जो भी वहाँ पे बेस है, अभी बेस की लोकेशन लोग इसने फाइंड कर दिए, मुझे बता दिए। अभी जल्दी से मैं जाऊँगा वहाँ पे अकेला स्नाइपर लेकर, और बंदों को जो ठोकूंगा, और फिर लेकर आएंगे एक बंदे को। जल्दी से अभी चलते हैं हम यार बाहर की ओर। ओके यार मैं बाहर आ चुका हूँ, जल्दी से अपने लैम्बोर्गिनी में बैठते, यहीं से चलते यार जल्दी से उसके बेस पे, फिर मैं पहुँचने पे तुमको मिलता हूँ, ठीक है गाइस। ओके गाइस मैं अपनी लैम्बोर्गिनी भगाते हुए उनके बेस पे पहुँच चुका हूँ। अभी अपने को यहीं पे उनका बेस है, लोकेशन के हिसाब से यही कहीं पे है शायद से, आगे यहाँ से, ओके आगे यहीं से, ये देख सकते हो यही यही बेस है। हम यहाँ से धीरे स्ट्रेट चले जाएंगे, इनको पता ना लगे, ये देख सकते हो सारे बंदे यहाँ पे खड़े, हम स्ट्रेट जाएंगे, बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं, उनको शक हो जाएगा। और एक काम करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे पहाड़ पे कार को अपने, और वहाँ से देखेंगे उन बंदों को क्या करना है। अभी फिलहाल मैं यहाँ से ऊपर चढ़ाऊँगा, देख सकते हो यहाँ से सही लोकेशन। अबे यार मैंने पहले गाड़ी को डेंट लगा, मैंने अभी तक रिपेयर नहीं किया, और गाड़ी ठोक दी मैंने, ये देख सकते हो यहाँ से टूट चुकी है, हेडलाइट जा चुकी है एक। अभी फिलहाल उस वाले पेड़ों के पास चलते हैं, हम वहाँ से देखते हैं क्या करना है इन लोगों को, ठीक है। देखो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कार को छुपा देता हूँ मैं। ओके तो गाइस ये वाली मैं स्नाइपर विद सप्रेसर लेकर आ चुका एडवांस स्कोप के साथ, तो यहाँ पे बंदों को देखते हैं पहले। ये देख सकते हो एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, अभी मारेंगे नहीं पहले हम, पहले भाई जायदा लेंगे, यानी कि पहले देखेंगे बंदे कहाँ कहाँ पर है। इस झाड़ियों में मैं छुप जाता हूँ पहली बात तो, ये देखते। ओके ये इनकी पार्टी चल रही है भाई, दिन में भी पार्टी चल रही है, यहाँ पे आग लगा रखी है इन्होंने, आग पे डांस कर रहे हैं फिलहाल के लिए ये लोग। और ये भाई देखो पीकर पड़ा है कोई, तो देख सकते हो कि यहाँ पे ये देखो, ओ भाई यार ये यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे ये दो। हम स्टार्ट करेंगे शायद यहाँ से, क्योंकि ये स्टार्टिंग के मेंबर से, किसी को पता ना चले उसके पहले। एक गया, दो गया, ओके दो जा चुके हैं गाइस, जल्दी से अब नेक्स्ट को भी उड़ाते हैं। ओके गाइस पहले दो बंदे डाउन हो चुके हैं, भाई यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदा है, इसको उड़ाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। पहले यार इसको उड़ाते हैं, यहाँ पे जो खड़ा है ना इसको उड़ाएंगे, क्या हेड लगाएगा इसको, क्या हेड लगाए अभी इनको, किसको पता नहीं चल रहा। इसके पहले सबको उड़ा देते, ओके किसी को पता चला, ओके नहीं चला फिलहाल के लिए। इसको भी उड़ाएंगे, इसको भी, ओके रिलोड कर रहा है बंदा, ओके ये भी गया, ओके लास्ट वन बचा है शायद, तो लास्ट वन आएगा नहीं। ओके गाइस इनको भी दूर से उड़ा देंगे, क्योंकि इनको जैसे शक होगा यार तो ये मार देंगे। इसको हम लेकर चलेंगे अपने साथ, क्योंकि ये चुप रहा है और यही लीडर रखता है, इसके कपड़ों से इनको ठोक देते हैं हम। एक गया, ये दूसरा सिगरेट पीते पीते इसके आखिरी सांस है, ये तेरा ओ बचा। ओके गाइस इसको मार दिया, उसको इतना भी पता है कि मार दिया है, और वो भाग भी नहीं सकता शायद, उसको लग रहा है चारों ओर से घेर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने बस
अभी देखते हैं यार, यहाँ पे पहले इसको मारते हैं। अभी ये तो भाई पता चल गया इसको कि यार ये अपने कंट्रोल में, इसको जल्दी से लेते हैं अपने साथ। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं ये खड़ा है। तो गाइस इसको फिलहाल के लिए मैंने अरेस्ट कर दिया। ये क्या है? ओके ये कुछ है, और इनकी बॉटल्स यहाँ पे यार है। और ये देखो ये अभी फिलहाल अभी तक पड़ा है, साले कितना पिएगा, उम्र देख तेरी, उम्र देख। लेकिन नहीं, इसको मैंने गोलियों से भून दिया अभी। तो गाइस अभी हम इसको लेकर जाएंगे फटाफट से यार अपने कार में, इसको अपने पीछे पीछे लाएंगे। अभी मैंने इसको कहा यहाँ से अगर तू हिला तो मैं तेरी जिंदगी से भाई तेरे को उड़ा दूंगा, लेकिन ये काय ले नहीं हिलता। चलो मेरे इसको लेके हमने इसको कहा डील करेंगे हमारा शोरूम। तो गाइस हम इसके साथ डील करेंगे, ऐसा मैंने इसको कहा कि यार, इसको मैंने कहा कि यार तुझे वहाँ पे ले जाएंगे, अगर कुछ बातचीत करेंगे, डील करेंगे, हमने ये तबाह किया, हमने तेरी रोल्स रॉयल किया, हमने डील है, ओके ऐसे कुछ कहा, कह दिया मैंने उसको। ओके तो गाइस इसको मैंने कार में बैठने को बोल दिया, फटाफट से बैठाते इसको, बैठ जल्दी वरना ठोक दूंगा उसको कार में, मैं बता रहा हूँ। इसको समझ नहीं आ रही, इसको अब ले जाएंगे और इसकी जो हालत खराब करेंगे, जो हालत ख़राब करेंगे किसी ने सोची ना होगी। अब मैं पहले गाड़ी को अपने सही से ले जाऊंगा, क्योंकि यार फिलहाल के लिए जो प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं कार को बहुत ज़्यादा ठोक रहा हूँ। अगेन ठोक दी मैंने, ओके कोई ना, अभी इतनी ख़राब हो ही चुकी है तो और ख़राब। लेट्स सी, मैं इसको पहले इसको ले जाएंगे, मारेंगे, फिर यार देखते हैं क्या करना है। अभी फिलहाल के लिए चलते अपने घर की ओर, फटाफट से यार निकल लेते हैं, मतलब बेस पे जाएंगे लेस्टर के, वहाँ पे इसको भाई टॉर्चर करेंगे। इसको क्या ही पता है कि इसको हम क्या करना है। इसको मैं बता कर लाया हूँ कि डील है अपनी यार, कोई तो डील करेंगे, तूने हमारा तोड़ दिया, हम तेरा ये तोड़ेंगे, इतना कहकर मैं इसको लेकर आ चुका। लेकिन इसको नहीं पता है इसके साथ क्या बुरा हाल होने वाला है। इसको यार हम एक्स से मारेंगे, पिकैक्स से भी मारेंगे, सब चीज़ों से इसको मारेंगे, बहुत मारेंगे इसको। चलो चलते हैं फटाफट से। ओके तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ फिलहाल अपने भाई के घर पे, यानी कि लेस्टर के घर पे। अब इसको पता नहीं है कितना टॉर्चर होने वाला है इसके साथ, लेकिन उसको इतनी तो अकल चाहिए। उसके सारे बंदों को हमने मार दिया, फिर भी वहीं पर खड़ा रहा, उसका भाई बहुत बहुत शुक्रिया। दरवाज़ा नहीं लगाया होता मैं इसको अभी ठोक देता यहीं पर। अब ओके ठीक है, अब दरवाज़ा लगा दिया इसने, जल्दी से इसको अंदर लेकर चलते हैं यार। तो गाइस लेस्टर ने मारना भी स्टार्ट कर दिया, लेस्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में, मैं भी मारने वाला हूँ। ओ भाई क्या मारा है मैंने यार, उसकी बहुत बुरी पिटाई करेंगे अब हम। लेस्टर भाई धीरे मर जाएगा वो। लेस्टर यार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा है, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा उसको मारने वाला बुरी तरीके से। लेस्टर मारना, ओके हम दोनों भी एक सेम एक्शन कर रहे हैं। ओके लेस्टर ने और एक उसको दे दिया, अब मैं दूंगा। अबे बचा, ओके मैंने दे दिया उसको गाइस, और एक ये ले साले इसको इतना। तो गाइस इसको मार मार के मर्डर हो चुका है, लेकिन एक अच्छी बात है कि उसने यार नाम बता दिया, और वो नाम सुन के यार उसको मारने का ही मन किया, उसने डगन बॉस बता दिया, इसलिए हमने उसको यार मार ही दिया, पूरा खत्म कर दिया। अभी उसकी भाई बॉडी को भी मारने का मन कर रहा है। तो गाइस अभी लेस्टर फिलहाल बोल रहा है कि यार डगन बॉस भाई बहुत बड़ा आदमी है, उससे पंगा नहीं लेते भाई, रहन देते है, कुछ मत करना। अभी सब दोनों भी हम शौक में, लेकिन लेस्टर इतना शौक में नहीं दिखा मुझे, शायद से उसको पहले से पता था लेकिन अपने को उसने बताया नहीं। लेकिन कोई ना, ठीक है चलता है इतना, लेकिन क्यों बताया नहीं उसको भाई, उसकी वजह से एक बंदा मर गया, इतने बेरहमी से मार दिया हमने। लेकिन इसको मेरे को और मारने का मन कर रहा है, क्योंकि इसको समझना चाहिए, इतना भाई इतना उसके सर पे हमने एक्स मारी, फिर भी उसको भाई अकल आ ही नहीं रही थी, क्या बताई यार। तो गाइस इसने कहा कुछ करना नहीं, लेकिन मैं एक प्लान कर रहा हूँ, मैं जाऊँगा इसको यहीं पर रख के उसके लाश को तो ठिकाने लगा देना, और मैं जाऊँगा सीधा डगन बॉस के घर पर, उसको बोलूँगा यार मैंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गैंग को, फिर वापस घर चलूंगा। फिलहाल रात हो रही है, रात को मैं निकल जाऊंगा उसके घर पे, क्योंकि उसने अपना बेस डिस्ट्रॉय किया, हमने उसको इतनी अच्छी अच्छी कार डिलीवर की यार, फिर भी साले ने अपना घर तोड़ दिया। यही से जाऊंगा मैं, कार की बिल्कुल चिंता नहीं है मेरे को, अब ठोकते हुए चला जाऊंगा, क्योंकि वैसे भी रिपेयर ही करनी है, लेकिन अपना नुकसान क्यों करें। अबे ट्रेन 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 ट्रेन, अभी गाइस अपना कुचुम्बर बन जाता है इस ट्रेन में, लेकिन उस साइड पर ट्रेन जल्दी से। ओके अपना चुपचाप रोड से चलते ना, क्यों मजाक करना बंद करते, और चलते हैं। उसको बेचारे को हमने मार दिया, लेकिन कोई ना, मतलब उसने नाम तो बता दिया, अपना काम पूरा हो गया। यानी कि यार एक तो रोड इधर से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कार को निकालना, मैं ठोक इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरी कार पहले ही बर्बाद हो चुकी है। अब जल्दी से डगन बॉस के घर चलते हैं, उसको बोलते हैं भाई बल्लाज गैंग के बेस पे हमने अटैक कर दिया है, उसका रिएक्शन देखते, शायद वहीं पर बैठा होगा पार्टी करते वो। ये देखो ओके मेरा बोनेट भी उड़ चुका है गाइस। अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, अब मैं फिलहाल के लिए कार शॉप पे जाऊंगा पहले, कि यही कार शॉप है क्या, कि यही है शायद से।
ओके गाइस, मैं पुलिस स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे कार का सिंबल था इसलिए, लेकिन ये तो पुलिस स्टेशन है। ई टू रिट्रीव, अगर आपकी कार यहाँ पे कुछ हुई तो करना है। ये दोनों चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, यहाँ पे एक सिगरेट मार रहा है, एक कॉफ़ी पी रहा है, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन यहाँ से चुपचाप से निकल जाते हैं। भाई मैं कार के लिए ढूंढ रहा हूँ, बैनी के पास नहीं जा रहा मैं फिलहाल के लिए, या फिर बैनी पास ही जाऊँगा, देखते क्या करना है। ओके गाइस, मैं डगन बॉस के बहुत ज़्यादा करीब हूँ घर के, लेकिन मैं ये अपनी कार को रिपेयर करके आ चुका हूँ। देख सकते हो तुम, दोनों हेडलाइट को ठीक कर दिया मैंने, क्योंकि यार जाते जाते मैंने कहा करना है, ये बहुत बुरी लग रही थी कार। अभी इसके घर पे मैं फिलहाल पहुंच चुका हूँ, देखते क्या कर रहा है वो, फिर उसको देखते हैं, पकड़ के मारते हैं। ओके, उसकी कार यहाँ पे ही है, अपनी गोल्डन, उसकी गोल्डन यानी कि, भाई बस कर दे फोटो साले, उड़ा दूंगा मैं तुझे। ओके गाइस, पहुंच चुके घर में, चलते हैं उसके देखते हैं। मेरे को इसकी सारी गाड़ियाँ यार कभी कभी चोरी करके भागने का मन करता है, हटना यार क्या कर रहा है भाई। अभी फिलहाल मेरा दिमाग ख़राब है इसलिए मैंने उसको पुश कर दिया। ओके, यहीं पे है डगन बॉस, इसको बता देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। तो गाइस, मेरी डगन बॉस के साथ बात हो चुकी है, उसके कुछ क्लाइंट्स भी बैठे हैं यहाँ पे अंदर पे, वो फूकते बैठे और ये कुछ लोग बैठे हैं। अभी उसको मैंने बता दिया, काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है वो, उसको यानी कि पता, उसको वो बोल रहा है बेच किसे पता चला, नाम तो बस मैंने ही बताया था। तो उसका घर भी देख लेते यार, कुछ तोड़ फोड़ नहीं करेंगे उसके घर की। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ गलती से गिरा डगन बॉस, कोई दिक्कत नहीं है आपको, मुझे पता है। ओके, अभी यार उसको काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, पता नहीं क्यों उसको, लेकिन मैंने बता दिया अपने पास बिल्कुल नहीं टाइम है यार। उसने अपने को पहले तो धोखा दिया है, क्योंकि यार अपने को क्या है यार, उसको हमने इतनी अच्छी कार दी, देखो ये हमने कर दी है, ठीक है। और रॉल्स रॉयल्स उसके अभी है नहीं, और लैम्बोर्गिनी तो उसके यानी कि इसकी थी यार, उसके बेटे को उसने गिफ्ट करने के लिए लई थी, तो वो लेकर चला गया होगा। इतनी कार्स हमने उसको दी यार, वो भी कम रेट पे, फिर भी उसने अपने साथ धोखा किया। अभी मैं फिलहाल घर के पास जा रहा, घर जा रहा हूँ फिर से यार, क्योंकि उसने अपने साथ धोखा किया और मैं उसको थोड़ी सी धमकी टाइप बात करके आया उसके साथ, यानी उसके साथ भी हमने झगड़ा कर दिया ऐसे लग रहा है, क्योंकि यार उसने अपना इतना करोड़ों का नुकसान कर दिया हमने उसके लिए यार, इतना सस्ते में उसको कार बेची थी यार, फिर भी उसने ऐसे कर दिया। बस इतना ही किया था हमने उसके साथ, जस्ट किया था क्या, उसकी BMW हमने भाई बहुत खुदाई थी यार रेस में, अगर तुमने वो एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना। अभी फिलहाल मैं घर जा रहा यार, अभी तक तुमने सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया तो दबा देना, क्योंकि यार अभी नेक्स्ट वाले एपिसोड में शायद अपने को, अबे यार नई कार फिर से ठोक दी मैंने, ये देख सकते हो। ओके, नहीं टूटी, नहीं 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 कुछ हुआ। ओके, अभी तो मैं रिपेयर कर आया हूँ, जल्दी से चलते हैं फिर से यार। ओके, अभी कुछ हो जाता और घर चलते, और तुमने सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया तो दबा देना यार ऐसे एपिसोड के लिए। और किसको तो भी मैंने ठोक दिया, पता नहीं मैं ऐसी कार क्यों चलाता हूँ यार। जल्दी से घर की ओर चलते, शोरूम की हालत देखते, रिपेयरिंग को तो हमने बता दिया था, ऐसे रिपेयरिंग का कुछ था नहीं, बस ग्लासेस बदलने थे और आग को बुझाना था और फिर से रिपेंट करना था अपने शोरूम पे, जो कि हो चुका होगा आएगा सब तक, लेकिन उसको नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या करना है। अभी फ़िलहाल मैं घर की ओर पहुँच ही चुका हूँ, यहाँ पर रात में लाइट सुनता हूँ, कुछ अलग ही लग रहा है ना। जल्दी से लाइक वाला बटन दे दबा देना गाइस, 11 लाइक्स हो सकते हैं इस पर, 11 लाइक्स हो सकते हैं इस पर, जल्दी से कर देना लाइक वाला बटन दबा देना। अभी फ़िलहाल मैं घर तक पहुँच चुका हूँ। ओके ओके ओके, अभी लास्टर तो उसके बेस पे, उसका बेस का भी टूर जल्दी करेंगे हम लोग। फिलहाल माइकल आ चुका है घर पे, ये उसकी ऑडी और ये रहेगा भाई अपना बेस। Yeah, it was a tough day at the office. Thanks for asking. ओके गाइस, मैं घर पहुंच चुका हूँ, जल्दी से घर में चलते यार, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, पी लेते हैं यार जूस को फटाफट से। यहाँ पे माइकल पी गए, आहा भाई बढ़िया से। अभी यार गाइस, ये एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से दबा देना। मिलता मैं तुमका नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, और सब्सक्राइब दबाना मत भूलना यार गलती से भी, क्योंकि नेक्स्ट वाले एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो जल्दी से दबा देना। बाय बाय।